जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम लेकर के आए हैं बहुत ही फनी ट्रिक जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की है। ठीक है, आपके एग्जाम में मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर पूछे जाते हैं, MPSI, MPPSC, MP पुलिस, MP जेल प्रहरी, पटवारी आदि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। व्यापम के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को भी आपको दबाना है। और ऐसी आज फनी ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते कि कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं जो आपके एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो आज आपका पहला प्रश्न है, माई का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको टेस्ट भी देना होगा, आपको ट्रिक भी बताएंगे और मैप से भी बताएंगे। ठीक है, तो तीनों काम होंगे तो माइंड में सेट जरूर होगा। तो माई का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएं आप। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अपन बोलते ना नर्मदा माई, नर्मदा माई। तो नर्मदा माई कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से। तो माई का मंदिर कहाँ स्थित होगा, अब आपको ही उत्तर बताना है। तो कहाँ स्थित होगा, अमरकंटक में, है ना। तो माई का मंदिर कहाँ पर स्थित है, अमरकंटक, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है दोस्तों माई का मंदिर, दर्शन कर लो सभी लोग, पुण्य भी कमा लो थोड़ा सा, है ना। तो ये माई का मंदिर है और अमरकंटक में है, और आपको पता है कि ये है दोस्तों अनूपपुर, अनूपपुर जिले में स्थित है अमरकंटक। ठीक है, यहाँ अमरकंटक से उद्गम स्थल भी है नर्मदा नदी का, और नर्मदा नदी की जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो कितनी है, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, बड़े बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है। अब चार विकल्प है आपके सामने, चार में से आपका एक का चयन करना है, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुंडलपुर, कुंडलपुर में है, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, और जो यहाँ पर पूजन करने जाते हैं वो बड़े बड़े कुंडल पहनकर, मुकुट लगा कर जाते हैं, कहाँ पर, बड़े बाबा की पूजन करने। तो बड़े बाबा का मंदिर कहाँ पर होगा बताइए आप, कुंडलपुर में, क्योंकि कुंडल पहनकर मुकुट लगा कर जाते हैं, तो कुंडलपुर में, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों बड़े बाबा, और इनके आप दर्शन करें, लाभ लें, है ना। तो कुंडलपुर में है बड़े बाबा का मंदिर, और कुंडलपुर कहाँ है, दमोह में। तो आपको याद रख लेना है, यहाँ पर है दोस्तों आपका कुंडलपुर का मंदिर। ठीक है, हो रहा ना आपको याद। अब आपको बताना दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग, सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो बिल्कुल सही है। आज मैं सबको घर बैठे दर्शन करवा रहा हूँ, है ना। तो महाकालेश्वर जी के दर्शन करें आप लोग तो जल्दी से, और उज्जैन में ये मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। ये है दोस्तों आपका उज्जैन, और यहाँ पर आपका महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, खजुराहो, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में है, है ना। देखें दोस्तों, एक कंदरिया महादेव मंदिर है, और आपको देख रहा होगा कि ये खजूर जैसा सीधा सीधा बहुत ऊंचा है, खजूर जैसा ऊंचा है, ऐसा है ना ऊंचा। तो ये कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ होगा, खजुराहो में, क्योंकि ये कैसा है, खजूर जैसा ऊंचा ऊंचा है। ठीक है, ये दर्शन करें आप कंदरिया महादेव मंदिर के, और एक कंदरिया महादेव मंदिर खजूर जैसा ऊंचा है, तो ये कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ होगा, खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो दोस्तों ये छतरपुर जिला में पड़ता है, ये चीज़ आपको याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर है आपका खजुराहो, और यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको बताना है दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, चार विकल्प में से 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। और जरा तस्वीर को भी देख लो कि जो पशुपतिनाथ महादेव मंदिर हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर होगा, मंदसौर में।
क्योंकि जब हमने तस्वीर में देखा तो पशुपतिनाथ महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो मंद स्वर में ये मंदिर होगा, याद रख लेना और दर्शन कर लेना। सभी को दर्शन करने का लाभ मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगी, मैप से भी समझाएंगे, टेस्ट भी होगा, सब कुछ हो रहा है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना ऐसे वीडियो को। ये मंदसौर है, यहाँ पर है आपका पशुपतिनाथ का मंदिर और ये मंद मंद मुस्कुराती है, तो ये कहाँ पर होगा? मंदसौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैहर देवी का मंदिर कहाँ पर है? आप लोग जाते ना, मैहर बोलते हो जो आप लोग, है ना, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अब मैहर तो मैहर, अब मैहर मैहर बोल देते हो आप, तो मैहर सतना में है और ये है दोस्तों मैहर का मंदिर, है ना। ये कहाँ पर है? सतना में है। आप सभी लोग दर्शन लें, दर्शन करें और पुण्य कमाएं, ठीक है। तो ये मैहर का मंदिर सतना में, ठीक है, और ये है दोस्तों सतना। मैप में देखो सतना है और यहाँ पर है आपका मैहर माता का मंदिर, शारदा माता का मंदिर, ठीक है, मैहर में, तो याद रखें। अगला बताना दोस्तों, अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पर स्थित है? अन्नपूर्णा, जल्दी बताएं कहाँ पर है? आप लोग क्या करते हो, अन्न को पूर्ण करने के लिए दौड़ दौड़ के क्या करते हो, खेती करते हो, अन्न को उठाते हो, क्या करते हो, अन्न को दौड़ दौड़ के उठाते हो, तो अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पर होगा, जल्दी बताओ। अगर अन्न नीचे गिर जाए तो दौड़ दौड़ के उठाने लगते हो, तो अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर, दौड़ के, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और आप अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन भी दौड़ दौड़ के करेंगे, सभी लोग दौड़ दौड़ के करो, तो अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पर होगा? इंदौर, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे कभी, अब अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन कैसे करना है? दौड़ दौड़ के करना है, क्योंकि अन्न को पूर्ण करती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये है इंदौर, है ना, और इंदौर में क्या है आपका? अन्नपूर्णा मंदिर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, इंदौर में कौन सा मंदिर है? अन्नपूर्णा मंदिर, याद रखो सभी लोग। अगला आपको बताना है, ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ओमकारेश्वर मंदिर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर में, है ना। ये है दोस्तों ओमकारेश्वर मंदिर, यहां पर देखो ओम बना है, ये ओमकारेश्वर मंदिर है। और ये कहां पर है? क्योंकि ओमकारेश्वर को हम क्या नहीं कर सकते, ओम को खंड खंड नहीं कर सकते, और ये कहां पर होगा? खंडवा में, ठीक है। तो ओमकारेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है आपका, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर खजुराहो में, भोपाल, अमरकंटक या फिर ओमकारेश्वर में? 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। और एक चीज और बताने दे रहा है दोस्तों, आप बोलते हो कि बहुत लक्ष्मी है मेरे पास, है ना, तो एक चीज और बता देना कि लक्ष्मी भोपाल में ज्यादा होगी या फिर आपके खजुराहो में? कहाँ पर ज्यादा होगी लक्ष्मी? कहाँ पर ज्यादा होगी, जल्दी बताएं? भोपाल में, क्योंकि राजधानी है, सारे विभाग यहीं पर हैं, यहाँ पर बहुत लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर होगा? भोपाल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। भोपाल में है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, दर्शन करो सभी लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर के, है ना। और ये है दोस्तों आपका भोपाल, और यहाँ पर है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। याद हो रहा है ना, याद हो रहा है तो लाइक जरूर करें, दर्शन करें, है ना, इतना तो करें कि सर घर बैठे आप दर्शन करवा रहे हो, ठीक है। तो लाइक जरूर कर लेना, सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर भी सभी लोगों को करना है, ठीक है। मैं दर्शन करवा रहा हूँ, पुण्य कमवा रहा हूँ और याद भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लक्ष्मण मंदिर बताना है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, और आपने देखा होगा दोस्तों रामायण देखी होगी, लक्ष्मण खजूर जैसे खड़े रहते थे, बिल्कुल कौन की सेवा के लिए? राम और सीता की सेवा के लिए खजूर जैसे तत्पर खड़े रहते थे। तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर होगा? खजूर जैसे खड़े रहते थे तो खजुराहो, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। खजूर जैसे खड़े रहते थे तो खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर है, याद रख लेना। ए है दोस्तों लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप भी देखें, है ना। और ये है दोस्तों आपका खजुराहो यहाँ छतरपुर जिला में, और यहाँ पर आपका लक्ष्मण मंदिर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है। अब भरत मिलाप मंदिर बताना है दोस्तों आपको, भरत मिलाप, आपने रामायण देखी होगी, भरत का मिलाप हुआ था, मात्र का मिलाप हुआ था, और ऐसा मिलाप हुआ था दोस्तों, ऐसा मिलाप हुआ था कि वो चित्र आज भी आपके मस्तिष्क में विराजमान है कि नहीं? सभी के हैं, जिन्होंने भी रामायण देखी है
वो चित्र भरत मिलाप, जैसे ही मैंने बोला और वो चित्र आपके सामने आ गया होगा। तो भरत मिलाप मित्र जो मंदिर है वो कहाँ पर होगा, चित्रकूट में होगा कि अमरकंटक में होगा? चित्रकूट में होगा, क्योंकि जो भरत मिलाप के चित्र हैं वो आज भी मस्तिष्क में विराजमान है, वो हटते नहीं हैं। ऐसा मिलाप हुआ था दोस्तों, ये है दोस्तों भरत मिलाप का चित्र। और भरत मिलाप मंदिर कहाँ पर होगा, ये है आपका भरत मिलाप मंदिर चित्रकूट में, ठीक है। और चित्रकूट कहाँ पर है, सतना में। तो ये है दोस्तों आपका सतना, और आपका यहाँ पर क्या है, भरत मिलाप मंदिर है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख लेना कि दोस्तों भरत मिलाप ऐसा हुआ था सर कि वो चित्र आज भी मस्तिष्क में विराजमान है। तो भरत मिलाप मंदिर चित्रकूट, चित्र से चित्रकूट, ठीक है। अब आपको बताना दोस्तों बटेश्वर मंदिर कहां पर, बटेश्वर, 4 सेकंड आपको हैं, 4 विकल्प भी आपके पास सामने हैं। और एक चीज बताना कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं, जब कोई चीज उनसे मुरे ना तो वे कैसे करते हैं, बटे, बोले बांट के खा लो, मुरना ही रहा तो बांट के खा लो। तो बटेश्वर, बटेश्वर मंदिर कहां पर होगा, मुरैना। बटेश्वर मंदिर कहां पर होगा, मुरैना। तो बटे खाओ, मुरैना तो बटे खाओ, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं चना खा लो, बोले मुरैना, तो कैसे खाओ, बटे खाओ, है ना। तो बटेश्वर मंदिर कहां होगा, मुरैना। तो ये है दोस्तों बटेश्वर मंदिर, दर्शन करें यहां पर, है ना। बहुत सारे मंदिर हैं, बटेश्वर मंदिर है, सभी लोग दर्शन करेंगे। और ये कहां पर है, मुरैना में है, ठीक है, मुरैना याद रख लें। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, सुंदर मंदिर है, सभी लोग दर्शन जरूर करेंगे। और ये है दोस्तों मुरैना, और यहां पर आपका है बटेश्वर मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से याद करना है। अब आपको बताना दोस्तों चौरागढ़ मंदिर कहां पर है, चौरागढ़, चौरागढ़ मंदिर कहां पर है, जल्दी बताएं। तो जल्दी से बता देना है दोस्तों, अगर यहां पर 5 मणि रख दें, 5 मणि भी रख दें, तब भी ये ऐसा मंदिर है दोस्तों कि यहां पर चोरों का गढ़ भी आ जाए तब भी इन 5 मणियों को क्या नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। तो ये चौरागढ़ मंदिर कहां पर होगा, पचमणि में होगा, क्योंकि यहां पर चोरों का गढ़ भी गया लेकिन 5 मणि को नहीं चुरा पाया। तो ये पचमणि मंदिर, पचमणि में है चौरागढ़ मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कभी जाना यहाँ पर दोस्तों। त्रिशूल, त्रिशूल लोग जाते हैं तो यहाँ त्रिशूल चढ़ाते हैं इस मंदिर में, और बहुत सारा ढेर लग चुका है यहाँ पर त्रिशूल, त्रिशूल का, है ना। तो ये चौरागढ़ मंदिर कहाँ पर है, पचमणि, याद रख लेना, है ना। चोरों का गढ़ भी आ जाए तब भी 5 मणि को नहीं चुरा सकता, चोरों का गढ़ भी आ जाए तब भी 5 मणि को नहीं चुरा सकता। तो चौरागढ़ मंदिर कहाँ पर होगा, पचमणि में, ठीक है, याद रखो। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करके जरूर आना, और फोटो के माध्यम से दर्शन करके लाभ तो आप कमा ही लेना, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका होशंगाबाद, जहाँ पर आपकी पचमणि, और पचमणि में है कौन सा मंदिर, चौरागढ़ मंदिर, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। अब दोस्तों आपको बताना बगलामुखी मंदिर कहाँ है, बगलामुखी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और ऐसा सजा रहता है, ऐसा सजा रहता है दोस्तों बगलामुखी मंदिर कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो बगलामुखी मंदिर सजा रहता है, तो ये कहाँ पर होगा, जल्दी से बताएं, 2 सेकंड है आपके पास। बगलामुखी मंदिर सजा रहता है तो ये कहाँ पर होगा, शाजापुर, कहाँ पर होगा, शाजापुर, ठीक है। तो याद रख लेना कि बगलामुखी मंदिर बहुत सजा रहता है तो ये शाजापुर में है, और ये है दोस्तों आपका शाजापुर, यहाँ पर आपका बगलामुखी मंदिर है, ठीक है। शाजापुर में कौन सा मंदिर है, बगलामुखी, क्योंकि बगलामुखी मंदिर बहुत सजा रहता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला बताना है आपको खजराना मंदिर कहाँ स्थित है, खजराना बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और जल्दी से बताना। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आपको कहीं खजाना मिल जाए तो आप क्या करोगे, दौड़ दौड़ के लूटोगे, दौड़ दौड़ के लूटोगे। तो खजराना मंदिर कहाँ पर होगा, कहीं आपको खजाना मिल जाए डला तो आप दौड़ दौड़ के लूटोगे। तो खजराना मंदिर कहाँ होगा, जल्दी से उत्तर आपको ही बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दौड़ दौड़ के मतलब इंदौर, ठीक है। तो खजराना से खजाना, और खजाना दौड़ दौड़ के लूट रहे हैं, तो खजाना मंदिर कहाँ पर होगा, खजराना मंदिर इंदौर में होगा दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसे ही अनेकों मंदिर में आपको याद करवाऊंगा, और ये है इंदौर, इंदौर में है आपका खजराना मंदिर, ठीक है। बहुत सारे मंदिर आप याद करवाने वाले हैं दोस्तों, ये मंदिर का पार्ट बन है, ठीक है। और ऐसे और भी वीडियो मंदिर के आने वाले हैं, वीडियो कैसा लगा सिर्फ आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। सर जितने भी मंदिर आपने याद करवाए वो पूरे मंदिर याद हो गए, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाएँ,
क्योंकि मंदिर पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, अब आपको IAS स्टडी ट्रिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आपको व्हाट्सएप में कमेंट में नंबर लिखना है, या व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया है तो व्हाट्सएप में भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम से आपको जुड़ना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक से सुमित जैन, ट्विटर से भी सुमित जैन, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक कमेंट के माध्यम से बताएं, और जब इतने सारे मंदिर के दर्शन करवा ही दिए हैं तो लाइक तो बनता है ना, लाइक बनता है और अपने मित्रों को शेयर बनता है, शेयर जरूर करें दोस्तों। आज का वीडियो के लिए जय हिंद।